एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे नवाब बादशाह खान का शव एक कुएं में मिलने के बाद सनसनी का माहौल है। दरअसल नवाब बादशाह खान दोपहर से लापता थे, उनकी खोजबीन की जा रही थी, तो इसी दौरान जानकारी लगी कि उनका शव पुरैना तालाब के पास इस तहसीलदार बाबा मजार परिसर में बने कुएं में है। तो उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ उनके परिजन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से नवाब बादशाह खान के शव को बाहर निकलवाया, उसे शव गृह में रखवाया। वहीं स्थानीय मौजूद लोगों के द्वारा उनके परिजनों के द्वारा कुछ कर्ज देने वाले लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, तो इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही पूरे मामले के खुलासे की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। मतलब कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे बिल्कुल भी, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। अब ना जाने की ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि इतना बड़ा उनको कदम उठाना पड़ा। और ये हमें तो ये लगता है कि ये कोई भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो, ये कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, किसी का इसमें हाथ भी हो सकता है। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और अगर इसके पीछे कोई अगर है व्यक्ति तो उसको पकड़ा जाए। हम लोग भी कोशिश प्रयास करेंगे कि हम लोग के पास अगर कोई जानकारी लगती है तो आप लोगों के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, शासन तक पहुंचाएंगे। धीरेंद्र तिवारी सलवार नंबर 1 के निवासी हम भी हैं और हमारे पड़ोसी हैं बादशाह भाई, बचपन साथ में बीता, बड़े खुशमिजाज व्यक्ति, कोई परेशानी नहीं, हार्डवर्क करने वाले व्यक्ति। लेकिन अभी कुछ दिनों से इतने परेशान रहने लगे थे, आए दिन हम लोगों से बोलते थे 10,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो, किस लिए चाहिए, इनका चुकाना हो, उनका चुकाना है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलो इनका चुकाना। हम लोग बोलते थे कब हमारा, चलो इनसे ले लोगे, कब इनका कब चुकाओगे भाई, जैसे हो जाएगा वैसे चुकाएं। लेकिन ये लोग हमारा जीना हराम कर चुके हैं और आए दिन परेशान करते घर पे आके इनका मैं बता रहा हूँ, इनका हमें चुकाना बहुत जरूरी है, रोज परेशान करते घर पे आके, ना उनने कभी नाम बताया, बस ये बोला कि हमें इनका देना उनका देना। हम तो ये बात मानेंगे कि अगर इनने जो भी कदम उठाया टोटल पैसे के चलते उठाया, लोग इतना परेशान करने लगे थे इनको, आए दिन पैसों को लेके, जब भी बादशाह से हम लोग मुलाकात करते थे, किसी भी समय मुलाकात करते थे, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, भाई साहब कुछ पैसे बड़े हो तो दे दो, हम इनका देना उनका देना। हम तो चंद पैसे कमाना चाहते हैं और लोगों को इतना बरगला रहे हों, परेशान करते हैं, इनकी वजह से लोग बाग आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहे हैं। जैसे अभी लोकेश पटेरा नामक व्यक्ति ने आत्महत्या करी और भी लोग मर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे, प्रशासन से निवेदन करेंगे कि भाई इन लोगों को सबसे पहले इन लोग के ऊपर कार्रवाई करें कि आप देना ही बंद कर दो या दो, तो इतना परेशान ना करो कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। प्रशासन से निवेदन करेंगे। आज हमारे घर का एक व्यक्ति खत्म हुआ, वो व्यक्ति तो खत्म हो गया लेकिन उनके साथ साथ उनके परिवार के 8-10 लोग, माँ दादा दादी और 2 बच्चे जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, 8-8, 9-9 साल की बच्चियाँ हैं, उनका भविष्य कौन तय करेगा। अब ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आगे और आत्महत्या हो या इन पर कार्रवाई की जाए। यहाँ कोई सामाजिक बात नहीं हो रही, ये हो रही मानवता की बात। यही जानकारी हम लोगों को यही जानकारी मिली है कि अभी तक कि वो पैसे के लिए आते थे बार बार, कोई जस्सू नाम का है व्यक्ति और एक और है कोई, ये 2 लोग हैं, बार बार उनके लिए पैसे के लिए टॉर्चर कर रहे थे कि वापस करो, उन्होंने उनका पैसा वापस भी किया है कुछ, तो भी बार बार आके वो यही बोल रहा है कि हमारा पैसा दो। आज उनने उधर मझार के दर उनको बुलाया भी था। किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? सुनने भी नहीं आया है, कोई जस्सू नाम का है उसने बुलाया है। एक लड़का और है फिर वो आई नहीं है, वो 2 लोग थे, ये बता रहे थे, उसका नाम भी नहीं जानते, पहचानते तो हैं, बता रहे थे। आप कौन हैं? हमारे बहनों की साहब। क्या नाम आपको? मोहम्मद जही। कितने समय से परेशान कर रहा है?
ये तो हम लोगों को तो आज ही पता चला है। हम पहले पता चलता थे, 9 बजे नहीं, 9 बजे नहीं आने देते हम लोग तो। ये कितना था उनका पैसा, हम लोग सब वापस करवा देते, कर देते खुद। कितने बजे बुलाया था आज हमने वहाँ मजार के? करीब उनके मुताबिक तो बाजी बता रहे हैं करीब 2-2:30 बजे के बता। फिर वो जब से घर नहीं लौटे? जब से वो घर नहीं लौटे। फिर अब कैसे पता चला आपके वहाँ? हम लोगों ने जब उनने फोन किया, बड़े भैया ने फोन किया था, सगवानी से फोन किया उनने, तो वहाँ मजार के अंदर उनकी चप्पल रखी मिली है, वो बच्चे को मिली है, उनके बच्चे को। उसने देखा तो उसने जाके बताया होगा, बस इतनी जानकारी है हम लोगों पास। लगभग कितना इनका लेन देन था क्या? ये वाला तो हमें नहीं है पता कि कितना लेन देन। कितने लोग परेशान कर रहे थे? 2-3 लोग हैं शायद आ रहे थे 2-3 दिन से पैसे ऐसे के लिए, कुछ कहा पता वो कर्जा जली। लेकिन हम लोगों को तो आज तक बताया नहीं उन्होंने, लेकिन उनको परेशान कर रहे थे। बिटिया ने बताया अभी जब फ़ोन करके, जब तो मालूम पड़ा अभी हम लोग आए सब। कौन कर रहा था परेशानी तो बताया? नाम मालूम नहीं है, नाम तो हमको नहीं मालूम है। बाकी बिटिया ने बताया, वो कल बताई जब उस पर आने आने होंगे तो बताए। कितने लोग बच्चों? हाँ 2-3 लोग हैं, 3 लोग हैं शायद। अब उनने पैसों का लेन देन था, लेकिन उनने दे दिया था पैसा, लेकिन फिर भी मतलब जो लिया था हमने दे दिया था 1 लाख करीब ऐसे कुछ बता रहे थे। बाकी वो ब्याज आज के लिए कहा परेशान किस का पैसा था? अब ये सब क्लियर तो मालूम है नहीं, पीछी बिटिया ने थोड़ा सा बचा बताया है बस। बाकी अब फ्री रोने में परेशान हो रही थी, साथ में हम लोग भी सब पूरे परेशान हो रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शरीफ। कौन है आपके? तो मैं दमाद लगते हैं, बड़े भैया के दमाद हैं। आज शाम को गुमन शान कायम हुआ था थाना कोतवाली में। नवाब अहमद बादशाह पिता मुश्ताक खान अहमद 40 साल निवासी शोभा नगर, जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सरकार बाबा दरगाह मजार के पास कुआं है, जिसमें एक शव मिली है, जिसकी शिनाख्त हेतु थाना यहां पर उपस्थित आए थे, जिसको यहां लोकल लोगों के सहयोग से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त नवाब अहमद के नाम पर हुई, उसको अभी अस्पताल पहुंचवाया है। बाकी मर कायम कर जांच की जाएगी। क्या मामला सामने आया? अभी जांच के बाद ही कोई चीज़ कहना सही होगा। गुमनसानी में क्या बताया गया था, परिजनों ने क्या? गुमनसान में कोई ज़्यादा कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है, तो मेरे बिना बताए घर से निकल गया था। कोई लेन देन का मामला भी सामने आया क्या? नहीं, इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं, जांच करने के बाद।